उत्तराखंड में 15 दिसंबर से सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय खोल दिए जाएंगे। राज्य में कोरोना के चलते इस साल मार्च पहले पखवाड़े में उच्च शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए थे। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को खोलने के साथ ही कोविड 19 से संबंधित सरकारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्टाफ या छात्र के संक्रमित होने पर इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देनी होगी। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उक्त आशय का निर्णय लिया गया। आज सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम लोग 15 दिसंबर से राज्य के अंदर जितनी उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है। उसमें हमारे चाहे वो राजकीय यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, राजकीय डिग्री कॉलेज हो और प्राइवेट डिग्री कॉलेज हो और टेक्निकल हो, सभी प्रकार की जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं 15 दिसंबर से वो सारी खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन उनके लिए अनिवार्य होगा और अब 15 तारीख के बाद सारी शिक्षण संस्थाएं विधिवत खोली जाएंगी। कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव विचार के लिए रखे गए। इनमें एक प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक के लिए रखा गया है जबकि एक अन्य निर्णय के लिए कमेटी बनाई गई है। 27 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इनमें देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिस्ट के पदों को मंजूरी दी गई। वहीं रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 927 पदों की स्वीकृति दी गई। देहरादून के राजपुर रोड पर सिंचाई विभाग की ओर से दिए गए पट्टों को वापस लेने का भी फैसला कैबिनेट ने किया। राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल और 100 वर्ग मीटर से कम जमीन वालों को अब 100 रूपये में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा।